आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती अपने घर से कुछ सामान लेने बाहर गई हुई थी और देर रात तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इधर पीड़िता अपराधियों के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई और एक महिला को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। महिला ने इस पूरे मामले की जानकारी औरंगाबाद के चाइल्ड लाइन को दी है और पीड़िता को चाइल्ड लाइन के पदाधिकारियों ने गढ़वा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। फिलहाल जो युवती है उसकी तबियत बिगड़ने की वजह से उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर अपने साथ हुए दुष्कर्म को लेकर FIR दर्ज करवाया है और न्याय की गुहार लगाई है। थाना अंतर्गत फिलहाली लड़की का अपहरण का केस दर्ज हुआ था। उस लड़की को बिहार औरंगाबाद से बरामद कर लिया गया है। उसके मेडिकल और कराकर आगे जानकारी ले गढ़वा से सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अभी तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं? जी बिल्कुल राजा, मैं बता दूं कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब हमने बात किया SDPO जो गढ़वा है अवध कुमार यादव, तो वो बताया कि मामले की जानकारी है, मामला दर्ज भी कर दिया गया है FIR थाने में और मामले की छानबीन कर किया जा रहा है। मैं बता दूं राजा कि ये गढ़वा जिला कांडी थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे एक युवती 11 अक्टूबर के घर से निकली थी सामान खरीदने के लिए। उसके बाद वहां से उसका अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके उसको बिहार के डेहरी ऑन से जो एक जगह है वहां पर लेकर सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद किसी तरह से वहां से अपहरणकर्ता के चंगुल से बच के निकलती है। लेकिन फिलहाल आखिर उसका अपहरण क्यों किया गया, तमाम बातें अभी सामने नहीं आई है। अगर अपराधियों के जो दुष्कर्म किए हैं उनकी पूरी जब तक पकड़ में उन लोग नहीं आते हैं, तब तक यह मामला शायद सामने नहीं आए। काजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।